Mr. Ghazi Salahuddin Sahab, I request you to please come on the stage and share a few words with us. Yes. बहुत बहुत शुक्रिया और ये मैं समझता हूँ मेरे लिए एजाज़ है कि मैं जस जमशेद नसरवान जी मेहता साहब की ऑनर में उनको ट्रिब्यूट पे करने के लिए जो तकरीब मुनाकिद हुई है उसमें आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। असल में जो शेख सैयद साहब ने और रियाज शेख साहब ने जो बातें की हैं उसी तसलसल में मैं ये कहूँगा कि जमशेद नसरवान जी एक ऐसे एक रोल मॉडल थे मेयर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने शहर की खिदमत करना चाहते हैं, कि जिसकी मेरे ख़्याल में कोई हमारी तारीख में तो मिसाल नहीं है ऐसी। और रियाज शेख साहब ने कहा कि पुराने कराची और नए कराची के बारे में मैं शायद कुछ कहूँ, तो बात यह है कि मैं 1960s में सहाफ़त मैंने शुरू की और जब कराची के बारे में मैंने कुछ पढ़ा तो सबसे ज़्यादा तो मुझे एक नस्बत जो महसूस हुई, क़ुर्बत महसूस हुई जमशेद नसरवान जी साहब से, वो एक बिल्कुल ज़ाती सी एक अजीब सी बात है कि जो उनकी तारीख़ पैदाइश है वही मेरी तारीख़ पैदाइश है, तो मुझे ये अच्छा लगा और मैंने उनके बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की। अच्छा, जो यहाँ पे मुझे जो प्रोग्राम मुश्ताक साहब ने भेजा उसमें मेरे लिए मौजू था कराची देन एंड नाउ, जब का कराची अब का कराची, तब क्या था और अब क्या है। तो अब ये तो मेरे ख़्याल में मुवाजना भी एक माइंड बॉगलिंग होगा, क्योंकि जो कराची नसरवान जी का कराची था उसकी बुनियाद या उसकी गवर्नेंस या उसकी मैनेजमेंट में जिन यानी जमशेद नसरवान जी साहब के बारे में अहम बात यह है कि वो एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, वो पीस लविंग पर्सन थे, वो ह्यूमनिस्ट थे और उनमें कंपैशन था। और फ़र्क अब यह है कि जो हुक्मरानी करते हैं इस वक्त ना उनमें कंपैशन है ना उनमें वो ह्यूमनिस्ट हैं और ना वो दूसरों के दुख और दर्द को समझने की सलाहियत रखते हैं। तो ये बुनियादी फ़र्क है। नसरवान जी के अंदाज़े उसे हुक्मरानी भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो खिदमत जो था वो उनका वो था, जो मिसालें दी गई उनके ज़िंदगी की जो बच्चों ने टेबलों में बताया। तो एक और पुराना कराची मुझे याद है 60s early 70s का, जिसमें मैं आजकल के बच्चों को जो बताता हूँ कि वो वक्त था कि जब कराची में 100 से ज़्यादा सिनेमा घर थे। कैन यू बिलीव इट, कैन दे कॉम्प्रीहेंड नाउ कि जब कराची की आबादी अब से चौथाई भी शायद ना हो, उस वक्त इस शहर में 100 से ज़्यादा सिनेमा घर थे। और देन एंड नाउ का सबसे बड़ा जो मेरे लिए एक वो है वो ये जगह है जो हामिद साहब ने वेलकम एड्रेस में इस आइकॉनिक जगह की बात की। तो मुझे याद है 60s में और अर्ली 70s में जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो ये मरकज़ था कराची शहर की कल्चरल एक्टिविटीज़ का। ये वो जगह थी कि जहाँ लाहौर से ड्रामा ग्रुप्स आते थे, यहाँ मैंने शुएब हाशमी और सलीम हाशमी के ड्रामे देखे हैं, कमाल रिजवी के ड्रामे देखे हैं, अहमद अली होते थे उनके ड्रामे देखे हैं। ऐसे फंक्शंस होते थे कि अगली सफ़ों पे इस शहर की एलीट हुआ करती थी एंड दिस वाज द प्लेस कि जो जिसमें एक ख़ास तरह की एक इल्यूमिनेटेड सी फीलिंग होती थी कि भाई दिस इज़ वेयर द एक्शन इज़, ये वो जगह थी। तो वो चीज़ें जो हैं वो अब इसलिए भी नहीं रहीं के नसरवान जी के कराची में एक ऐसा तगैर पैदा हुआ, एक ऐसा इनकलाब आया जिसकी मेरे ख़्याल में नसरवान जी साहब ने भी उनके विज़न में ये बात नहीं होगी कि ये शहर इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से ऐसे बदलेगा। और उसकी वजह ये है कि जब मैं
1980s में कॉलम लिखता था डॉन में, उसका नाम था कराची डायरी, और उसमें एक थीम था जो जिसका मैंने कई बार तस्करा किया और उसको डेवलप करने की कोशिश की, वो ये थी कि कराची इज़ अ सिटी विदाउट लव। अच्छा, नसरवान जी के बारे में सोचे ना, तो वो ये है कि मोहब्बत, खिदमत और एम्पथी, कंपैशन, ये चीज़ें कितनी अहम है। देन कराची बिकेम ए सिटी विदाउट लव। क्यों? क्योंकि इसलिए कि जब पाकिस्तान बना और नक़ल मकानी हुई और एक सैलाब आया और एक दीवानगी का भी आलम था उस वक्त पूरे बरे सग़ीर में, और जो कुछ हुआ उसके बारे में आप सब जानते हैं क्या हुआ, तो यहाँ की जो मिडिल क्लास थी कराची की, वो शहर से चली गई। और जब मिडिल क्लास किसी शहर से, किसी जगह से चली जाए, तो वो शहर यतीम हो जाता है। नए लोग जो आए वो शहर के तो नहीं थे, और वो अपनी यादों को समेट कर अपने नॉस्टैल्जिया के साथ आए कि वहाँ क्या होता था। आप देखिए कि कराची में नसरवान जी के बाद के कराची में जो कॉलोनियाँ कायम हुई, दिल्ली कॉलोनी, आगरा ताज कॉलोनी, हैदराबाद कॉलोनी, बिहार कॉलोनी, वो सब अपने जहाँ जहाँ से आए थे उन्होंने अपने सब कल्चर्स दोबारा बनाने शुरू किए। फिर उसके बाद जो फ़र्क हुआ मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी की जो मिसाल नसरवान जी के दिनों में थी वो नहीं रही, और हमने देखा कि यहाँ कितने वॉयलेंस यानी कंपैशन और पीस और लव को रिप्लेस कर दिया हेट्रेड ने, वॉयलेंस ने, इनटॉलरेंस ने, एक्सट्रीमिज्म ने। तो अब जो एक कहना चाहिए कि अब जो एक तहरीक होनी चाहिए, और मेरे ख़्याल में वो होती है कभी कभी, कि कैसे हम लोग जो शहर में रहते हैं इस शहर का कर्ज अदा करें, इससे मोहब्बत करें, और उस मोहब्बत का इजहार किस तरह हो, वो इसी तरह हो कि हम इसमें अमन की फ़ज़ा कायम करें, भाईचारे की फ़ज़ा कायम करें, डाइवर्सिटी जो है उसको एक्सेप्ट करें, जो जो मुख्तलिफ मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं उनमें एक हारमोनी हो, और उसी तरह हम इस शहर को, वो विज़न तो शायद ना हो हासिल हो सके कि जो नसरवान जी का था, लेकिन किसी तरह हम इसको एक लिवेबल सिटी बना लें। और ये मुश्किल काम इसलिए है कि शहर अब जिस तरह से बढ़ते हैं, एक ज़माना था शहर इस तरह बढ़ते थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, और शहरों का बनना और उनका आबादी, उनकी आबादियों का बढ़ना जो है वो इस बात का सबूत होता था कि तरक्की हो रही है। लेकिन तीसरी दुनिया के शहरों में जिस तरह आबादियों में इजाफा हुआ है, वो तरक्की और इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रोग्रेस और एडवांसमेंट का इजहार नहीं था, बल्कि वो शहर के दूर के इलाकों के क्राइसिस जो थे वो वहाँ रिप्लेस होते थे। और इसी तरह कराची 1947 के बाद जो एक लहर आई थी माइग्रेशन की, जिन्हें महाजिर कहते हैं, उसके बाद से मुसलसल कराची की आबादी में जब भी मुल्क में कोई क्राइसिस होता है, कोई जलजला आया तो लोगों ने कराची का रुख किया, सैलाब आया तो लोगों ने कराची का रुख किया। अगर देही इलाकों में, छोटे शहरों में बेरोज़गारी बढ़ गई, ज़रात नाकाम हो रही हो कहीं, तो लोग कराची का रुख करते हैं, क्योंकि कराची जो है वो एक पनाहगाह है लोगों के लिए। तो अब इस पनाहगाह को इस काबिल बनाना कि हम इसे एक किसी तरह सिटी ऑफ नसरवान जी बना सकें, किसी तरह हम उस शख्स को याद कर सकें, उस शख्स को याद कर सकें कि जो एक, आपने जो कहानी सुनी कि एक ज़ख्मी गधे के इलाज के लिए भी फ़िक्रमंद था, तो वो शख्स जो है ऐसी लोगों से मोहब्बत करना और लोगों के आराम का और उनके राइट्स का ख्याल करना, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो अच्छा है कि हम नसरवान जी साहब को, नसरवान जी साहब को याद कर रहे हैं, और जो कुछ उन्होंने किया था और जो सेल्फलेस खिदमत होती है आवाम की, उसी से हम एक अच्छा माशरा बना सकते हैं, एक अच्छा शहर बना सकते हैं, एक अच्छा मुल्क बना सकते हैं। शुक्रिया।